और मैं इसको नया छोड़ूंगा। तो गाइस अभी हृदय को मैंने देखो फर्स्ट एड कर दिया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। आज हम जाने वाले हैं हरियाणा अपने पुराने घर, और काफी टाइम बाद जाएंगे, है ना? और 3 महीने बाद जा रहे हैं। 3 महीने हो गए अपने घर को, तो 3 महीने हो गए। तो गाइस 3 महीने हो गए हैं हरियाणा गए, तो हरिदय भी जाएगा वहाँ, सबसे मिलेगा जितेश तन्नू। तो एक बार गया था जब फोन लेने वहाँ। हाँ, फोन लेने गया था इसार, तब गया था। हासी कौन कौन मिलेगा? तन्नू दीदी, जितेश भैया। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बने हैं मटर वाले चावल, छोले वाले, छोले भी हैं। तो गाइस जब भी मैं हरी मिर्च लेके आता हूँ ना, हरिदय देखो मेरे को हरी मिर्च खिलाने आ जाता है, देखना अभी। रेडी हो गए सब हरियाणा जाने के लिए, और मैंने तो कल वाले कपड़े ही पहन लिए हैं क्योंकि शादी में थोड़ी देर ही तो पहने थे, तो बस अभी निकलते हैं हरियाणा में मजे करेंगे। इधर कहाँ जा रहे हैं? तान दीदी के पास जा रहे हैं। अरे वाह, मजे आएंगे। तो गाइस जब भी हम हरियाणा जाते हैं ना, मम्मी पापा जी 4-5 बैग बना लेते हैं, पता नहीं कहाँ से। जो सामान होता है वो कपड़े कपड़े डालने, वो तो ले जाने पड़ते हैं बेटा। अच्छा, इतने सारे कपड़े, सामान भी हो जाता है थोड़ा बहुत, और कपड़े भी हो जाते हैं। अभी तो मम्मी ले जाने जो हमने डालने हैं। मम्मी सब बच्चों के लिए मिठाई विठाई भी लेके जाते हैं ना। तो गाइस सामान देखो कितना सारा हो गया, ये हृदय का सारा दूध वूध सब रख लिया है। तो गाइस निकलने में थोड़ा लेट हो गए, 1 बज गई दोपहर की। छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहे हो? कह रहा है शीशा बंद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं चाचू को। कह रहा है शीशा इधर से बंद क्यों कर दिया? आज मैं आपको नया छोड़ूंगा, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कह रहा है। गाइस हम निकल तो गए हैं हरियाणा के लिए, लेकिन ना शायद टिकरी बॉर्डर बंद ना हो, न्यूज देख रहा था मैं, शायद उसमें कह रहे थे कि बंद हो सकता है, तो भी देखते हैं। गाइस ये आ गया टिकरी बॉर्डर, लेकिन ये तो खुला है यार, यहाँ पे देखो इतने सारे बैरिकेड्स तो मंगा रखे हैं, लेकिन हाँ अभी रास्ता खुला है, कहीं ऐसा ना हो हम हरियाणा जाए और ये बैरिकेड्स लगा दे हम वहीं फंस जाए। देखते हैं क्या होएगा। घर तो वहाँ भी है अपना, घर तो वहाँ भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामान तो सारा दिल्ली है, कपड़े वपड़े सबके ही दिल्ली है। हरियाणा जाते ही सबसे पहला काम तो मेरा यही है हृदय का बर्थ सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि फिर उसके बाद ही आधार कार्ड बनेगा, और फिर आधार कार्ड के बाद ही हम कहीं जा सकते हैं। फ्लाइट की टिकट कराने के लिए आधार कार्ड तो भाई मैंडेटरी है ना, 2 साल से नीचे होता ना तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हृदय अब 3 साल का होने वाला है। अभी 4 बजी है और हम लोग हासी पहुंच गए हैं। जितेश क्या हाल चाल, कैसे हो? जितेश भैया आ गए, जितेश भैया आ जाओ आ जाओ। हृदय देखो खुश खुश कितना होगा हृदय। पैर छुओ चाचू के, जाओ पहले रोड पे भाग देना, बहू भाग ना मियां। पिताजी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते भाई। मम्मी कैसे लग रहा है इतने टाइम बाद आके हंसी? अच्छा लग रहा है। बस लग रहा है। इसको देखो हृदय को, आते ही तन्नू साथ खेलने लग गया है। ये देखो मेरा चश्मा उठा लिया, आते ही मेरा चश्मा उठा लिया, देखो। ओ देखो पता भी है कैसे डालना है। ओ वाओ मस्त लग रहा है हृदय। करो झाई जी को, जय करो जय करो। हाँ जय करो जय। तो गाइस माधव आया और मेरे से मिला भी नहीं, कितनी गलत बात है बताओ। आप बात कर रहे थे कुछ किससे? तो अभी भैया आए हैं क्योंकि हम लोगों ने ना वाईफाई का रिचार्ज कराया भैया से। यार ये सब जगह इंटरनेट बंद है? सारी जगह इंटरनेट बंद है भाई, अभी पूरे हरियाणा में, हरियाणा में नहीं 8 जिलों में बंद है। 8 जिलों में बंद है। तो गाइस हासी तो मैं आ गया हूँ, लेकिन आते ही यहाँ पे पता क्या चला है मुझे भाई, तगड़ी चीज वो ये है कि पूरे हासी में इंटरनेट बंद है, पूरे हरियाणा में 8 जिलों में भैया बता रहे इंटरनेट बंद है। तो मैंने अभी वाईफाई का रिचार्ज कराया वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन हरियाणा के लोग देखेंगे ऐसे वीडियो मेरी, कि तो नया पंगा हो गया यार। चलो कोई नहीं, अब बाद में देख लेना, जो लोग बाद में लोग देख रहे हो ना, बाद में सारी वीडियो देख लेना 3-4 दिन की। तो गाइस अभी घर पे आ गए हैं सब लोग, देखो मस्त पार्टी कर रहे हैं हम लोग, और मैं तो यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ अपने मस्त चावल, यहाँ पे मिल गया मटर वाले चावल बढ़िया। अभी चलते हैं सब लोगों के लिए कुछ मीठा लेने और कुछ नमकीन लेने, क्योंकि हरियाणा आया है भाई, तो यहाँ पर बहुत पॉपुलर गुलाब जामुन, लड्डू। हरिजा को लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन यार इस वीक ना वो अपना खा चुका है मीठा मीठा जितना उसको खाना था ना, तो इसलिए इसको तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन बाकी सबके लिए लेके आता हूँ। चले गुलाब जामुन लेने चले, स्कूटी चला लेगा मेरे को बिठा के? देखो देखेगा आज। वैसे मैं जितेश को ना स्कूटी चलाने नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी 18 साल का नहीं हुआ ना, तो भाई इधर उधर ले जाने का कोई फायदा नहीं है, पहले लाइसेंस बनवाएंगे इसका, उसके बाद इसको फिर न्यू स्कूटी लेके देंगे। तो गाइस ये देखो गरम गरम गुलाब जामुन होते हैं भाई, कितने मस्त लग रहे हैं यार, मेरा भी मन कर रहा है खाने का, और गजरेला भी है। यहाँ पे ले लिया हमने 1 किलो गुलाब जामुन, सबके लिए ले लिया मैंने भाई, चाचू नाना जी नानी जी, मीठे में तो गुलाब जामुन ले लिए हैं, और नमकीन में ले रहे गोलगप्पे। ले लो गरम गरम गुलाब जामुन खाओ, ठंड में मजा आ जाएगा। ये लो आप भी खाओ। खाली कटोरी क्यों खा रहा है? ये ले तू सारे खा ले। तो वैसे कर लो, वैसे लंगर। ये लो लंगर भी प्रसाद होता है यार। तनु सारे तेरे हैं, अब तूने खाने हैं, खान तो पड़ेंगे अब सारे। सिंगर खा खा के सिंगर ही हो गई है, ककड़ी खा के ककड़ी बन। तो गाइस नानी जी के लिए लेके आया हूँ मैं गोलगप्पे, क्योंकि नानी जी को शुगर है ना, तो गुलाब जामुन ही देने हैं। पानी दे दो। क्या कह रहे हो?
पानी पीने गोलगप्पे का? ये गोलगप्पा भी तो खाओ। अरे खा लो ना, पानी पीना है। अच्छा पी लो, मिर्च है, मिर्च है। तो गाइस मम्मी जी भी गोलगप्पे ही खाएंगे सारे, इनमें से चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बस एक गोलगप्पे खाती हूँ मैं। मम्मी को गोलगप्पे पसंद है भाई। गाइस पिछली बार ना मेरे पास बहुत सारे ये कमेंट आए थे कि हरिदय के ना सैटरडे को नाखून नहीं काटते हैं, तो आज है फ्राइडे और मैं फ्राइडे को हरिदय के सारे नाखून काट रहा हूँ। नेल्स दिखाओ, देखो हर हफ्ते इसके नेल्स बड़े हो जाते हैं। देखो हरिदय के नेल्स मैंने काट दिए हैं। पापा के नेल्स देखो गाइस, ये देखो आज पापा जी के भी नेल्स मैं ही काटूंगा। तो हरिदय कह रहा है बड़े पापा के नेल्स मैं काटूंगा। हरिदय आप काटोगे? आप वो काटने आते हैं? ये देखो काटने तो नहीं आते। यहाँ पर देखो पापा जी की भी नेल्स काट दिया है। और हरिदय देखो मेरे पे गुस्सा कर रहा है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी देखो यहाँ पे वाईफाई के अंदर भी रेड लाइट आ गई है। नेट तो पहले ही बंद है यार। सुबह से चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको। सुबह चल रहा था ये? तो यार ये क्या हो गया, मैंने व्लॉग अपलोड करना है। व्लॉग अपलोड कैसे होगा? तो यार देखो मैंने लैपटॉप उठाया है कि मैं व्लॉग अपलोड कर देता हूँ, लेकिन अभी देखो वाईफाई नहीं चल रहा यार। क्या हो चुका है? मोए मोए। तो गाइस अभी मैंने फोन किया बाबा को, तो बाबा की शॉप पे जाके अपने को व्लॉग अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ बाबा की दुकान पे, बस यार वहाँ पे वाईफाई चल रहा हो ताकि व्लॉग अपलोड हो जाए। अभी निकलते हैं और व्लॉग भी अपलोड कराएंगे और मार्केट से एक दो सामान लेने हैं वो भी लेते आएंगे। वाईफाई चल रहा है यहाँ? यार मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा यार, मैं तभी व्लॉग अपलोड करने आया हूँ। तो गाइस यहाँ पे व्लॉग अपलोड हो गया है, देखो वाईफाई चल रहा है यार यहाँ पे। ये मस्त है क्या, पंखा क्यों कर रहा है ठंड में? तो चलो अभी व्लॉग तो अपलोड हो गया है यहाँ पे, अब चलते हैं सीधा चप्पल लेने, क्योंकि घर के अंदर हम कुछ सामान तो लेके आए नहीं थे, तो चप्पल ले लेते हैं यार दो तीन जोड़ी। अब पता तो है नहीं यार कितने दिन रहना पड़ेगा हरियाणा में। चप्पल लेने तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन यार यहाँ तो पूरी मार्केट ही बंद हो गई है यार, एक भी शॉप नहीं खुली है। ये देखो ये शॉप भी बंद हो रही है जस्ट अभी, ये चप्पल वाली शॉप ही है। गाइस देखो कितना अंधेरा है शॉप में। तो अभी भैया ने चप्पल देने के लिए हाँ कर दी यार, ये तो बढ़िया काम हो गया। तो दो पेयर ले लिया यहाँ पे, एक ये ब्लैक वाली एक ये ब्लू वाली। चप्पल मिल गया, थैंक यू भैया, थैंक यू। मम्मी नई चप्पल ले आया मैं। अच्छा फिर यहाँ है नहीं ना? हाँ भाई बहुत दिक्कत होती है पता है, ये चप्पल मेरा पूरा पैर काट गई जो डाल रखी है। ठीक करा ले आया था, पता नहीं कितने दिन रहना पड़े। तो गाइस अभी रात के बज गए 1:30 और मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, इतने में आया जितेश और एकदम से आते ही उसने इतनी बुरी खबर दे दी। हरिदय के हाथ पे लग गई चोट, ये देखो अभी इसके हाथ पे लगी हुई है, देखो चोट। रो रहा था बहुत तेज, तो उसको चुप कराया। कैसे लगी है तो बता मुझे, खुद को नहीं पता। मेरे साथ खेला था पता नहीं, फिर कैलेंडर सा था वो, कुछ कैलेंडर का कुछ लगा होगा इसको ना, पता नहीं। फिर तो बच्चों के साथ रोता हुआ आया, कहता कि लग गई। तो देखो अभी मेरे साथ बैठ के खेल रहा है। तो गाइस अभी चाचू जी आ गए हैं, मैंने ये अभी बीटाडीन और पट्टी मंगा ली है ताकि हृदय को बैंडेज कर दूं ना, सबसे पहले फर्स्ट एड देना जरूरी होता है। तो गाइस अभी हृदय को मैंने देखो फर्स्ट एड कर दिया है क्रीम व्रीम लगा के, तो उसके हाथ में दर्द हो रहा है अभी। तो दर्द हो रहा है पक्का? तो गाइस अभी हृदय को मैंने पट्टी वट्टी करके सुला दिया है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि हरियाणा कितने दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि वही बात बनी जो मैं कह रहा था कि हरियाणा जाते ही पता रहो कि बॉर्डर बंद हो जाए, और भाई बॉर्डर सारे बंद हो गए हैं। तो आप लोग हरियाणा के ब्लॉग्स एंजॉय करो, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। अब यार अपने आप जा रही है स्कूटी, तो इधर उधर क्या होगा इसको।